मोमेंट इमोशनल मोमेंट्स आए हैं, एम्पैथी ले रही है एंड ऑल, व्हाई आई एम बिग बॉस फेम एक्ट्रेस मॉडल और सिंगर शहनाज गिल को फैंस उनके अनफिल्टर नेचर की वजह से काफी पसंद करते हैं। कभी फैंस को गले लगाना तो कभी अपने दिल की बात सबके सामने कहना, ये सब उनके अलावा कोई और नहीं कर सकता है। एक बार फिर उन्होंने अपनी जिंदगी के उस पन्ने से फैंस को रूबरू करवाया है जिसे फैंस जरूर जानना चाहेंगे। अपने चैट शो देसी वाइब्स में वो बात करते हुए इमोशनल हो गईं। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत बुरा लगता है जब ट्रोलर्स उन्हें कहते हैं कि मैं सब सिंपैथी के लिए करती हूँ, ये बात दिल में घर कर जाती है। शहनाज गिल ने हाल ही में अपने शो देसी वाइब्स की शुरुआत की। इसके दूसरे एपिसोड में एक्शन हीरो आयुष्मान खुराना पहुंचे। इस दौरान बातचीत करते हुए शहनाज गिल इमोशनल हो गई हैं। इस दौरान आयुष्मान शहनाज से कहते हैं कि आपकी मासूमियत आज तक बरकरार है और आप ऐसे ही अच्छे लगते हो। इस पर शहनाज कहती हैं, आजकल लोग के जज किए जाने से लोग डरते हैं, हमें इससे डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जिंदगी में अपने इमोशंस दबाने नहीं चाहिए। शहनाज गिल ने बताया कि मैं भी कई बार इमोशनल चीजों से गुजरी हूँ, अब मैं भी अपनी भावनाओं को दबाना सीख रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि अपनी इमोशनल चीजों को बयां करूँ। मेरी जिंदगी में भी इमोशनल मोमेंट्स आए हैं पर मैंने कभी किसी को नहीं बताया क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं सिंपैथी ले रही हूँ।